रिप्रेजेंटिंग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। मैं रानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं झांसी की पूर्ण रूप से सेवा करूंगी, नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी अपनी मातृभूमि का मस्तक। जय मां भवानी, मैं हूँ झांसी वाली रानी। नमस्कार गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, मैं झांसी की रानी आज आप सबको अपने जीवन काल के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था, यानी कुछ ही दिनों पहले मेरा जन्मदिन था। मैं जब मात्र 4 साल की थी, मेरी माताजी भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी मोरोपंत तांबे ने ही मुझे पाला पोसा, लेकिन उन्हें मुझे एक लड़की की तरह नहीं, एक लड़के की तरह पाला पोसा, पढ़ाई के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाया। जब मैं मात्र 13 साल की थी, मेरी शादी झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव से कर दी। मेरा एक पुत्र भी हुआ, लेकिन सिर्फ 4 महीनों की उम्र में उसकी भी मृत्यु हो गई। अपने राज्य को अंग्रेज से बचाने के लिए हमने एक पुत्र को गोद लिया। उस पुत्र के नामकरण के अगले दिन मेरे पति यानी महाराज गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। जैसे ही बात अंग्रेजों तक पहुंची, उन्होंने झांसी के किले को खाली करने का आदेश भेजा। मैंने कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, तो फिर उन्होंने हमला करवा दिया। हम भी डरे नहीं, हम भी उनसे डट के सामना करने लगे। 2 हफ्तों तक सामना करा उनसे। अंग्रेज सैनिक बार बार हार जाते, लेकिन दुगनी ताकत से वापस भी आ जाते। मेरे सैनिक लड़ते लड़ते थक चुके थे, इसलिए जब अंग्रेज सैनिकों ने झांसी के किले के ऊपर कब्जा कर लिया, तब मैंने और मेरे सैनिकों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ग्वालियर का किला अंग्रेज हुकूमत के लिए बहुत मान्य रखता था, इसलिए उन्होंने ग्वालियर के किले पर भी हमला करवा दिया। हम भी उनसे सामना करते रहे। जब मैं अंग्रेज सैनिकों से लड़ते लड़ते अपने घोड़े पर सवार बहुत आगे निकल चुकी थी, तब मेरा घोड़ा कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों ने मुझे घेर लिया था। उन्होंने मुझे घायल कर दिया। मैं भी अपने मरते दम तक उनसे लड़ती रही। मैंने सोचा, मैं अपना शरीर किसी अंग्रेज सैनिक को नहीं छूने दे सकती, इसलिए पास ही में बने एक साधु की कुटिया में मैंने साधु से कहा, साधु जी, मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज मेरे शरीर को छुए, इसलिए आप मेरे शरीर को जला दे। और इस प्रकार 18 जून 1858 में मैं वीर गति को प्राप्त हो गई। इसीलिए तो कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी वाली रानी। धन्यवाद।